नहीं करो। माननीय उपेन्द्र जी भी अपने क्षेत्र में गए थे तो देखा गया कि सैकड़ों लोगों के साथ घूम रहे थे। तो मंत्री जी, कम से कम जब आप लोग ठीक होंगे तो जो आम आदमी आप लोग को देख के ही सही रहेगा, तो कम से कम एक मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारे गृह मंत्रालय के जो निर्देश हैं कि हमें मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ। क्योंकि कोरोना न रात में सोता है, न दिन में नहाने जाता है, हमेशा वो एक्टिव रहता है, कब कहाँ से आ जाएगा, इसलिए 24 घंटे हम सभी को अलर्ट रहना है। और जब तक ये वायरस पूरी तरीके से समाप्त न हो जाए, हमें कतई से हल्के में नहीं लेना है। आज देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो जैसे अमेरिका और इटली में लाशें गिर रही थी, भारत में भी करोड़ों लाशें गिर गई होती, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वो देश, जो देश मोदी जी ने पूरे दुनिया का अध्ययन किया, जो भी देश विभिन्न कालों में जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जो महामारी आई है, महामारी के समय जिन देशों ने अपने लोगों की जान जीवन बचाने को छोड़ के अर्थव्यवस्था को बनाने की कोशिश किया, वो देश भविष्य में बहुत नुकसान में गए। जिन देशों ने आपातकाल में लोगों के जान जीवन को बचाने का प्रयास किया, आगे चल करके खड़े हुए, भारत उसी राह पर चल रहा है। आज भारत पूरी तरीके से बचने की श्रेणी में आ गया है। हमारी रिकवरी रेट आप देख रहे हैं 48.67 से आगे चल रही है, और भी हम करेंगे। और यहाँ पर मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में रूनेट मशीन उन्होंने भेज दिया है, यहाँ जांच शुरू हो जाएगी। 22 सरकारी लैब हमारे चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारी बेहतर तरीके से चल रही है। आप दुना उत्पाद से कितना सहमत हैं?